हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन फैब्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कटोरी वाला ब्लाउज़ का। 36 साइज ब्लाउज़ में हम आपको बताएंगे कैसे आपको कटोरी वाला ब्लाउज़ की कटिंग करना है। तो एक ही वीडियो में आपको पूरा सीखने को मिल जाएगा। प्लीज़ पूरा आप चेकआउट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो फैब्रिक्स है इसमें हमें कटिंग नहीं करना है, हमें पहले अस्तर वाले कपड़े पर कटिंग करना है, उसके बाद इस पर कटिंग करेंगे। तो इसको हम पहले साइड कर लेते हैं। देखिए, इसको हम पहले डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें लेंथ लेना है, बैक साइड का लेंथ लेंगे हम 14.5 इंच, 15 इंच पर रखेंगे। हाफ इंच मेरा इधर मुड़ाएगा, ऊपर साइड भी फोल्ड होगा, इसलिए हम 15 इंच ले रहे हैं। अब देखिए, पूरा शोल्डर हम लेंगे 6 इंच, ठीक है। अब इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहां पे हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। अब हमें यहाँ पर लेना है चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर 9 इंच होगा फिटिंग्स, और 2 इंच हम लेंगे या 2.5 इंच, आपको अपने हिसाब से लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसको हमें इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आर्म होल का गोलाई का शेप देंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। अब गला अपना हिसाब से आपको जितना डीप रखना है लेना है और कटिंग कर देना। यहाँ पर हम इतना ही कटिंग करेंगे, बैक साइड में हम डिजाइन देंगे, इसलिए हम इसको बाद में कटिंग करेंगे। ये बैक साइड हो गया, इसको हम साइड कर देंगे। अब देखिए, कटोरी की कटिंग करेंगे। तो कटोरी कटिंग करने के लिए यहाँ से हमें चौड़ाई लेना है 9.5 इंच, यहाँ से हमें लेना है 3 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे, गला का चौड़ाई लेंगे हम 1.5 या तो 2 इंच, आपको अपने हिसाब से लेना है ये वाला। अब देखिए, यहाँ से हमें चौड़ाई लेना है, यहाँ से हमें चौड़ाई 5.5 इंच लेंगे, इस तरीके से हो गया। अब इसको हमें गोलाई का शेप देंगे, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से हमें गोलाई का शेप देना है नीचे तरफ, इस तरीके से लेके जाना है नीचे तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखिए कितना लिए हैं हम, यहाँ पर हम लिए हैं 9.5 इंच, तो उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे 4.2 इंच पर दाग देना है, और इसको हमें इस तरीके से तिरछा करते हुए लेके आना है ऊपर तरफ। यहाँ पर मिनिमम आपका 2 या तो 2.2 इंच तक होना चाहिए गैप, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे कटिंग कर लेंगे।
अब इसका गोलाई भी अच्छे से करेंगे कटिंग। ये वाला गोलाई आप जितना अच्छे से कटिंग कीजिएगा उतना ही अच्छे से सिलाई होगा, ठीक है। ये वाला हो गया कटोरी। अब कटोरी को हम साइड वाला पल्लर निकालेंगे, तो साइड वाला जो पल्लर वो हमें यहीं से निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें लेना है लेंथ, तो यहाँ का लेंथ हम लेंगे 11 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हमें लेना है 3 इंच। अब यहाँ पर हम 5.5 इंच तक रखेंगे आर्म होल, जितना हम बैक साइड में रखे थे उतना ही हमें फ्रंट साइड पर भी रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमें लेना है कितना, जितना हम लिए थे बैक साइड में उतना ही लेना है पूरा। तो हमें फिटिंग्स था हमारा 9 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए थे। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे 1 इंच, ठीक है। अब इसको हमें गोलाई का शेप देना है, क्योंकि ये हो गया आर्म होल फ्रंट साइड का, ठीक है। अब इसको हमें सीधा मिलाना है इस तरीके से। अब देखिए यहां से हमें 5.5 इंच रखना है गला के लिए, और इस तरफ से हमें रखना है 5 इंच। अब इसको मिलाना है इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए। देखिए अब जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं सिंपल कटिंग कर देना है। देखिए इसका जॉइंट जो है इसको हटाएंगे हम, हो गया। अब देखिए जो कपड़ा बचा है ये हमारा कटोरी का नीचे वाला पल्लर निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए हमें कटोरी ले लिए हैं, और कटोरी का जितना चौड़ाई रहेगा उतना ही हमें लेना है। देखिए यहाँ पे जितना चौड़ाई है उतना ही आपको चौड़ा लेना है, ऐसे नाप लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें नापना है नीचे तरफ इतना हुआ, और फिर इस तरीके से नापेंगे। तो चौड़ाई हमें लंबाई लेना है इतना, और चौड़ाई जितना हमारा कटोरी का आगे साइड में है उतना, ठीक है। इस तरीके से नाप लेके कटिंग कीजिएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा, कटोरी बड़ा या छोटा नहीं होगा। देखिए ये हो गया कटोरी का नीचे वाला पल्लर। अब हमें क्या निकालना है, तीरा, ठीक है। तीरा निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें स्लीव्स कटिंग करना है, ठीक है। स्लीव्स का कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमें डबल फोल्ड करना है कपड़ा को, और यहाँ पर हमें चौड़ाई लेना है 8 इंच फिटिंग्स रखेंगे, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। इतना ही रखना है ये वाला। यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप देते हुए लेके आना है इस तरीके से। तो ये हो गया स्लीव्स। अब जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे सिंपल कटिंग कर देना है। अब हमें कमर का तीरा निकालना है, तो उसके लिए देखिए डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब एक तरफ हमें लेना है, पहले कमर का पूरा चौड़ाई लेंगे। तो हमारा फिटिंग्स था 9 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए थे, तो 11.5 इंच था पूरा कमर का चौड़ाई। अब हमें एक तरफ लेना है 4.5 इंच, और एक तरफ लेना है हमें
5 इंच से थोड़ा ज़्यादा। अब इसको सिंपल इस तरीके से तिरछा कर देना है, जैसे ही लाइन ड्रॉ की है वैसे कटिंग कर लेना है। देखिए तीरा का कटिंग हो गया, फ्रंट साइड का पूरा कटिंग हो गया है, बैक साइड भी कटिंग हो गया है। अब ऐसे सेम हमें मेन फैब्रिक्स जो है उसके ऊपर रख रख के कटिंग करना है। देखिए मेन फैब्रिक्स का जो ये वाला फैब्रिक्स है इसको हमें साइड कर लेना है हटा के, क्योंकि ये बाद में ऐड होगा, बॉर्डर साइड कर लेंगे। और एकदम सिंपल है, इसको क्या करेंगे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड किए और इसके ऊपर पहले बैक साइड को इस तरीके से रख के कटिंग किए। उसके बाद सेम प्रोसेस है जैसा हम अस्तर का कटिंग किए हैं वैसे ही अब इसके ऊपर ये वाला रख के कटिंग करेंगे, ये वाला कपड़ा पे। ठीक है, वैसे ही हमें सेम क्या करना है, ये वाला जो कपड़ा है साइड वाला पल्लर इसको कटिंग करेंगे हम यहाँ पर रख के। ठीक है, इस तरीके से सिंपल कटिंग कर देना है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से कटिंग करते ही आपका जो अस्तर वाला फैब्रिक्स है वो कटिंग हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।